हेलो नमस्कार दोस्तों, क्रिक मैच पर आपका स्वागत है। और आज हम किरण 9100 बुक के नंबर सिस्टम के सम सॉल्व करेंगे। और नंबर सिस्टम की हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर दी थी और सेकंड टाइप के हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किए थे। और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है, जब किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल है, यानी शेषफल इसमें ज्ञात करना है। यानी कोई संख्या है x और उसको 6 से भाग कर रहे हैं तो हमारा शेषफल आता है 3 निकलकर। ये कहता है कि उस संख्या के वर्ग को अगर हम 6 से भाग करें तो हमारा शेषफल क्या आएगा। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और उसमें कहे उस संख्या के वर्ग को या उस संख्या का 3 गुना या उस संख्या का 4 गुना या उस संख्या का 5 गुना या उस संख्या का क्यूब, तो आप क्या करेंगे, शेषफल को ही चेंज करेंगे, न कि उस संख्या को। यहां संख्या दी नहीं गई है, शेषफल दिया गया है। शेषफल को कह रहा है यानी उस संख्या के वर्ग को, तो आप शेषफल का क्या कर देंगे, वर्ग। यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, और 9 को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा हमारा 3। और 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है, किसी संख्या में 2 अंक हैं, यानी संख्या है 2 अंकों की। ये इसने कहा है संख्या 2 अंकों की है। यदि अंकों का स्थान बदलने से बनी संख्या, यानी एक 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों का स्थान बदलने से जो नई संख्या बनेगी, तो ये कहता है आगे प्रारंभिक संख्या में जोड़ दिया जाए। यानी जो पुरानी संख्या थी और अंकों का स्थान चेंज करने से जो नई संख्या आई है उसमें अगर जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त परिणाम अर्थात योगफल किस संख्या से आवश्यक विभाजित होगा। यानी कोई संख्या मान लेते हैं अगर 32 है और कोई संख्या क्या है 37 है, या कोई भी संख्या मान सकते हैं, और अगर अंकों का स्थान चेंज करेंगे ये क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, 73। यानी इकाई का अंक दाई के स्थान पर और दाई का अंक इकाई के स्थान पर। ये कहता है इनका जोड़, यानी 3 और 2 5, 3 और 2 5, 7 और 3 10, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ज्यादा हो जाएगी। फिर भी देख लेते हैं, 7 और 3 10, 7 और 3 10 हो गया 11। यानी ये क्या हो गया, 55 और 110। ये क्या होगा, 5 और 11 से भाग, और ये क्या होगा, 10 और 11 से भाग। अगर देखें दोनों संख्या किससे भाग हो रही है, 11 से, यानी प्रत्येक संख्या किससे भाग होगी, 11 से। तो 11 ही कुछ क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390 और 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करे। यानी ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एचसीएफ और एलसीएम का सवाल है। वैसे तो ये क्या है, आपका एचसीएफ का सवाल है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां से आप ज्ञात करेंगे अगर 390 और 495 और 300, यहां से इनके फैक्टर ज्ञात करेंगे और फिर इनमें देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर देखें यहां से तो ये इसमें काई का अंक क्या है, 0, और इसमें 5 और इसमें 0, यानी ये क्या होंगे, सभी 5 से होंगे। पहले 5 से कर लेते हैं, 5 7 35 और बचा क्या, 4, 5 8 हो जाएगा 40। फिर अगर अगर हम देखें तो ये 2 से होगा तो ये होगा 2 3 6 और 2 9 18। फिर देखें तो ये 3 से होगा, 13 3 39 और 13 1 13, और इसको करेंगे तो 5 से 5 9 45 और 5 9 45, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 33, और अगर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 11, और 11 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अगर इसे करेंगे 2 से भी कर सकते हैं और 5 से पहले, क्योंकि 5 कर लेते हैं, दोनों 5 को मनाया, इसमें 5 को मना जाएगा, 5 6 30 और 0, 5 से किया तो ये आ जाएगा 12, और ये 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये 4 से 4 को सीधा कर सकते हैं और 2 से कर सकते हैं सीधा भी, यानी 2 1 2। अगर देखें तीनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, पहले 5 तीनों में कॉमन है। फिर अगर देखें 2 2 इसमें है नहीं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी क्या है, 3 है, तो हम 3 से कर देते हैं। फिर यहां से क्या हुआ आपका,
इसमें क्या है, तीन नहीं है, इसमें दो नहीं है तो दो को काट देते हैं, इसमें क्या है, 13 नहीं है, 13 को काट देते हैं, फिर यानी इसमें कोई भी कॉमन इनमें नहीं है, यानी 15 क्या है, तीनों में कॉमन है। अगर 15 से भाग करें तीनों संख्याएं क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 15। आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 आता है, यानी कोई संख्या है एक्स और उसको 5 से भाग करें तो शेष हमारा क्या आता है, 3। ये क्या है, शेष। फिर ये कहता है कि उस संख्या के वर्ग को, यानी 3 का ही वर्ग कर देंगे, शेष का ही वर्ग कर देंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और उसको क्या करें, 5 से भाग दें तो क्या आएगा, शेष 4 आएगा, तो 4 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 आता है, यदि उस संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, यानी कोई संख्या है अगर उसको हम 387 से भाग देते हैं तो हमारा शेष फल क्या आता है, 48 आता है, और अगर उस संख्या को हम 43 से भाग दें, यानी शेष फल को ही हम क्या कर देंगे, 43 से भाग दे देंगे, तो क्या बचेगा, हमारा शेष 5 बचेगा, 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने से शेष क्रमशः 21 और 28 है प्राप्त होते हैं, यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, यानी कोई दो संख्याएं हैं को अगर हम x और y दो संख्याएं हैं अगर 33 से यानी अलग अलग भाग दें तो इनका शेषफल क्या आता है, इनका शेषफल आता है 21 और 28। फिर आगे कहता है कि दोनों संख्याओं के योगफल को अगर हम 33 से, अगर संख्याओं के योगफल को कह रहा है तो हम क्या करेंगे, शेष फल के योगफल को ही भाग करेंगे, 8 और 1 9, 2 और 2 4, यानी संख्या क्या बन गई, 49 को हम क्या करेंगे, 33 से भाग करेंगे, तो 33 एकम 33 हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा आपका 7, और 7 और 9 क्या हो जाएगा, 16, यानी 16 यहां से क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया गया है, एन को 4 से भाग देने पर 3 शेष आता है, यानी कोई संख्या है एन और उसको 4 से भाग दें तो शेष क्या बचता है, 3 बचता है। 2n को अगर 4 से भाग दिया जाए, यानी संख्या के दोगुने को अगर हम 4 से भाग दें शेष क्या बचेगा, अभी अभी हमने किया कि हम शेष फल के साथ ही क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे, यानी 3 के स्क्वायर कर दें, यानी सॉरी दोस्तों यहां से क्या कर दें, 3 को हम क्या करेंगे, दोगुना करेंगे, संख्या को कर क्या कर रहा है, ये दोगुना कर रहा है, यानी n को क्या किया है, 2n किया है, तो यहां से हम क्या करेंगे, 3 दूनी क्या हो गया आपका, 6, और 6 को किससे भाग देना है, 4 से, तो शेष क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया गया है, जब किसी पूर्णांक यानी k को 3 से भाग किया जाए, k को अगर 3 से भाग किया जाए तो शेष हमारा बचता है 1। इसने आगे कहा है के प्लस 1 को, यानी उस संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें और फिर 5 से भाग करें तो शेष फल हमारा बचता है 0, तो निम्न में से के का मान ज्ञात करना है, यानी अगर हम के में 1 जोड़ दें और 5 से भाग कर दें तो हमारा शेष फल क्या बचता है, 0। ये क्वेश्चन यहां से क्या होगा दोस्तों, ट्राई ऑप्शन से होगा, यानी के की जगह हम क्या वैल्यू रखें कि ये हमारे दोनों सही हो जाएं। पहले तो हम लेते हैं, अगर ऑप्शन लेना हो तो बड़े से छोटा ऑप्शन, तो यहां से क्या है, 65 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है 64। अगर 64 को हम क्या करें, 3 से भाग करें तो ये होता है 21 या 63, यानी क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा, बिल्कुल सही है। और ये कह रहा है के प्लस 1, यानी 64 और 1 क्या हो गया, 65। 65 को अगर 5 से भाग करें 13 5 65, यानी 0 से बचेगा, ये दोनों क्या हो रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहे हैं, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, के बराबर क्या हो जाएगा, 64। 64 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया गया है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूरी तरह विभाजित है। पहले
पहले तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता होना चाहिए। 9999 क्या होती है? चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अगर इसमें अगर हम एक भी जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी? पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। पहले ये कह रहा है कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हम 88 से अगर पूरी तरह विभाज्य हो जाए, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम 88 से भाग करेंगे तो 88 एकम 88, यहां से बचा क्या? 11 बच गया, तो ऊपर से क्या उतारेंगे? 9। फिर हम भाग करेंगे 88 एकम 88, तो यहां से क्या बचेगा? 9 में से अगर 8 जाएगा तो 1, और 11 में से अगर 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। यहां से ऊपर से 9 से पहले उतार लिया, ये 9 बचा है, ये 9 हमने नीचे उतार लिया। अगर यहां से इसको माने 90, तो 9 चौक क्या हो जाएगा? 36। 36 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसे कर सकते हैं 9 तिया 27, यानी 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 तिया 24, और 8 तिया 24 और 2 क्या होगा? 26, यानी 9 में से 4 गया 5, और यहां से क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा कितना आएगा? 5, यानी ये संख्या क्या है? 55 ज्यादा है। अगर इस संख्या में से अगर हम 55 घटा दें तो क्या हो जाएगी? ये 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999, और 55 इसमें से माइनस कर देते हैं तो यहां से 4499, यानी 9944 क्या है? चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया गया है, यदि किसी संख्या यानी एक्स को किसी विभाज्य से विभाजित किया जाए तो विभाजक भागफल का 4 गुना बराबर किसके है? शेष फल का 2 गुना होता है। यदि शेष फल 80 हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। जब विभाज्य, भागफल, शेष फल बड़ा क्वेश्चन आए तो आप भाग का निशान लगाएंगे सबसे पहले। फिर ये कहता है कि शेषफल, शेषफल हमारा नीचे होता है, शेषफल है हमारा 80, और इसने कहा है विभाजक भागफल का क्या है? 4 गुना, और शेषफल का क्या है? 2 गुना, यानी शेषफल का क्या है? विभाजक, विभाजक होता है यहां पे, और ये होता है भाज्य, और ये होता है भागफल, और ये होता है हमारा शेषफल। तो यानी ये कहता है कि शेषफल का क्या है? 2 गुना है, यानी 80 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। और इसने कहा है कि भागफल क्या है? विभाजक का 4 गुना है, यानी जो क्या है? विभाजक का क्या है? 4 गुना, यानी इससे अगर हम 4 से भाग करें तो ये क्या आएगा? 40। और ये कहता है विभाजक है जो भागफल का क्या है? 4 गुना, तो यानी 40 चौके 160, ये बिल्कुल सही हो गया। फिर ये कहता है कि एक्स का मान ज्ञात करना है। अगर हम कोई संख्या से यानी छोटी भाग देखें सबसे पहले, यानी ये संख्या है 8, और 5 से भाग करें तो ये क्या होगा? 5 एकम 5, और यहां से क्या बचेगा? 3। तो यहां से अगर हम देखें तो यानी 5 और 3, यानी 5 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई प्लस में क्या होता है? शेषफल, तो हमारी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो यानी यहां से अगर देखें 160 और 40 की क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। 16 चौके क्या होगा? 64। 16 चौके हो जाएगा आपका 64, यानी 2 जीरो आ जाएगी इनके साथ, और 80 शेष रह गया। किस संख्या में से हमने 6400 घटाया है कि 80 शेष रह जाए? यानी 6400, 80 में से अगर 6400 घटाएंगे तभी हमारा क्या आएगा? 80 आएगा। तो यहां से संख्या क्या थी? 6480 थी आपकी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया गया है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या आता है? 132, यानी कोई संख्या है और उसको हम 175 से भाग करें तो हमारा शेषफल क्या आता है? 132 निकल करके आता है शेषफल। फिर कहता है उसी संख्या को अगर 25 से विभाजित किया जाए, यानी हम क्या करेंगे? उसके शेषफल को क्या कर देंगे? 25 से भाग कर देंगे। अगर 132 को हम 25 से भाग करें तो 25 पांजे क्या होता है? 125,
और यहां से क्या बच गया हमारा, सात बच गया, सात क्या रह जाएगा आपका, शेष फल रह जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया गया है भाग के एक पर्सन के लिए यह ज्ञात है कि भाज्य 37,693 है, भागफल 52 है, शेष फल 52 से अधिक है किंतु 104 से कम है, भाजक होगा, यानी भाजक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। भाग के एक पर्सन के लिए यह ज्ञात है कि भाज्य क्या है, 37,693 है, और यहां से क्या दिया है, भागफल दिया है हमें 52, और इसने कहा है शेष फल 52 से 104 के बीच में, 52 से अधिक है और 104 से क्या है, कम है, यानी यहां से हमें ज्ञात करना है भाजक, यानी यहां से भाजक क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन क्या होगा आपका, ट्राई ऑप्शन के हिसाब से होगा। अगर हम सबसे बड़ी संख्या देखें तो यहां से है 725, परंतु हमें क्या लेना होता है, बड़े से छोटा ऑप्शन लेना होता है, यानी 725 से छोटा क्या है, 724 को अगर हम 52 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी यहां से लगभग, यानी यहां से देखें 4 दूनी क्या हो गया 8, और 2 दूनी क्या हो गया 4, 7 दूनी क्या हो गया 14, और यहां से 5 चौके हो गया 20, और 2 5 10, और 2 12, 7 5 35, और 1 36, यानी यहां से 8 4 6, और यहां से 7, और यहां से क्या हो गया 3, यानी 37,648 हमारी संख्या निकल कर आती है, और 37,648 इसमें से अगर हम घटाएं, यानी 37,648 अगर इसमें से घटाएंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 13 में से 8 जाएगा तो यहां से क्या आएगा, 5 आएगा, और यहां से क्या आएगा, 9 में से 4, सॉरी दोस्तों 8 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो यहां से 4 आएगा, यानी क्या बचा शेषफल 45। परंतु ये क्या कह रहा है, इसने कहा है कि शेषफल क्या होना चाहिए हमारा, 52 से अधिक और 104 से कम, तो ये शेषफल क्या रह गया, कम रह गया, यानी अगर कम रहा है इसका अर्थ है कि हमने भाजक क्या लिया है, ज्यादा लिया है, यानी हम भाजक क्या लेंगे, कम लेंगे। अब यहां से आपके दो ही ऑप्शन बचे हैं, 722 और 723, यानी ऑप्शन 722 या 23 में से एक ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर भी हम क्या लेते हैं, 723 ही लेंगे, अगर 723 है तो हमारा सही होगा, और 723 नहीं होगा फिर भी बड़ा रह जाएगा तो हम क्या कर देंगे, 722 को ले लेंगे, ले लेंगे या नहीं, क्योंकि वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो ऑप्शन अगर चेक कर लिए तो तीसरा और चौथा आपको वैसे ही पता लग जाएगा। अगर 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7 दूनी क्या हो गया, 14, अगर 5 से करेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 11, 7 5 35 और 1 36, अगर हम जोड़ेंगे 6 5 4 9, 5 7 3, यानी यहां से 3700 क्या हो जाएगा, अब ये अब हो जाएगा 37,003, यानी यहां से 37,596, 37,596 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में से अगर 6 जाएगा तो यहां से आएगा 7, और यहां से क्या बचेगा आपका 0, यानी 8 बचेगा, सॉरी दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, 8 था आपका क्योंकि एक हाँसी इधर चली गई थी, तो यहां से क्या हो जाएगा 18, 18 में से अगर 9 जाएगा तो आएगा 9। इसने कहा है कि शेष फल हमारा क्या रहना चाहिए, 52 से अधिक रहना चाहिए और 104 से कम रहना चाहिए, तो ये 52 से अधिक है और 104 से कम है, तो भाजक क्या मान लेंगे हम, भाजक मान लेंगे 723, यानी 723 ही भाजक है। दोस्तों ये आपको ट्राई ऑप्शन से इतना टाइम तो लगेगा, अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको कम टाइम लगेगा। दोस्तों आगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है किसी संख्या को यदि 342 से विभक्त किया जाए तो शेष फल हमारा आता है 47, यानी किसी संख्या को अगर हम 342 से भाग दें तो हमारा शेष फल आता है 47, और ये कहता है कि उस संख्या को यदि 18 से भाग किया जाए, यानी शेष फल को ही हम 18 से भाग कर देंगे
तो ये क्या हो जाएगा, 18 दो 36, बचा क्या 11, 11 से फल बचेगा, 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में इसने दिया है तीन संख्याओं का योग क्या है, दो है, यानी संख्या है ए प्लस बी प्लस सी, उनका योग क्या है आपका दो है। पहली संख्या दूसरी की क्या है, 1/2 गुनी, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी ए बी सी नहीं मानते, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये कहता है दूसरी संख्या की क्या है 1/2 गुनी है, यानी पहली संख्या दूसरी की क्या है 1/2 गुनी है। तो यानी पहली संख्या का अनुपात 1 और दूसरी संख्या का अनुपात 2 है। अगर यहां से समझ में नहीं आया तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। आगे कहता है तीसरी संख्या दूसरी की क्या है 1/4 गुना है, यानी तीसरी संख्या क्या है दूसरी की 1/4 गुनी है। तो ये संख्या इधर नीचे आ जाएगी, तो यहां से नीचे आ गई इसके, तो यहां से क्या हो गया, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात आ गया, इसका अनुपात 1 और इसका अनुपात 4, यानी फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या और थर्ड संख्या का अनुपात आपको दे दिया है, यानी 1/2 है, 1/2 है, यहां से हम 2 लगा देंगे। यहां से दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्या है 4/1, यानी 4/1, जहां से इधर खाली रह जाए वही संख्या हम लिख देते हैं। दोस्तों अगर आपको रेशियो आता है तो यहां से आप समझ गए होंगे। तो यहां से अगर देखें 2 सभी में कॉमन है, 2 काटा, 2 काटा, यहां से आया 2, और यहां से बन गया आपका 2/4/1, यानी संख्याओं का अनुपात क्या बन गया यहां से 2/4/1, यानी संख्या बनानी है तो x लगा देते हैं साथ में, तो यानी संख्या बन गई, और इन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 2x + 4x + x, यहां से हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7, यानी 7x इनका जोड़ है, परंतु जोड़ क्या है तीनों का 2 है, 7x बराबर किसके है 2 के, x बराबर किसके आ जाएगा 2/7, और इसने कहा दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या है अनुपात में 4x, और x की वैल्यू क्या है 2/7, यानी 2/7, 4 × 2 = 8/ क्या हो जाएगी 7, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल, यानी ए गुणा बी क्या दिया गया है आपको 1575 दिया गया है, और उनका भागफल क्या है 9/7। दोस्तों यहां से समझने की बात है कि ये उन संख्याओं का क्या है रेशियो दिया गया है 9/7, यानी अगर हम संख्या बनानी है तो x से मल्टीप्लाई कर दें, यानी दोनों संख्याएं बन गई 9x और 7x। अगर हम 1575 को 9x और 7, सॉरी दोस्तों, डिवाइड करेंगे 9x + 7x, तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यानी यहां से अगर करें 7 गुनी क्या हो गया आपका 14, और 7 × 7, 7 × 14 बचा क्या आपका 1, और 7 × 14 बचेगा क्या आपका 3, और 7 × 5 = 35। अगर 9 से करेंगे 9 × 18, और बचेगा क्या 4, 9 × 5 क्या हो जाएगा 45, और x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यहां से हो जाएगा x² बराबर किसके है 25 के, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 5 निकल कर आ जाएगी। अगर संख्या पूछे तो 9 × 5 = 45 और 7 × 5 = 35, परंतु पूछा गया है संख्याओं का योगफल, यानी 7 और 9 क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा इनका योग, 16x क्या है योग है, x की वैल्यू क्या है 5, तो 16 × 5 यानी 80 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।